बचपन दे विच किस तरह बाल लीला रचाते रहे की चोज करते रहे। एक दो चोजा का वर्णन एक अद्धे बंद दे विच कुछ लाइनों दे विच मैं आपके सन्मुख कर रहा। बचपन विच जो खेडियां उस खेडा सदके जावां मैं खेडा न्यारियां दे। बचपन विच जो खेडियां उस खेडा सदके जावां मैं खेडा न्यारियां दे। जो गलेर ते कच्चे गलेलियां नाल घड़े भन्नदे रहे बनिहारियां दे। जदों माता जी कोल शिकायत जांदी जिन्हां दे घड़े भजदे सी गलेलियां दे नाल ओह माता जी दे कोल जा जा के शिकायतां करदे। कि जदों माता जी कोल शिकायत जांदी तां इह सुण लैंदे निर्बल नारियां दे इह परिवार नूं कुछ भी आखदे ना पैसे भर दिंदे उन्हां सारियां दे। मेरे लाल नूं किहो ना कुछ कोई मैं घड़े वटे दियां गागरां ते चांदी दियां गागरां चका दिंदे सीगे कि आ लो लेकिन मेरे बाल गोविंद नूं कुछ ना किहो। कि जदों माता जी कोल शिकायत जांदी तां इह सुण लैंदे निर्बल नारियां दे ऐ परिवार नूं कुछ भी आखदे ना पैसे भर दिंदे उन्हां सारियां दे। जिन्हां गलियां विच खेडियां ओह खेडां पटनी साहिब दी गल है कि जिन्हां गलियां विच खेडियां ओह खेडां ओहदी याद विच होईयां दीवानियां ने 350 साल तों उस दियां पटनी शहर विच पईयां निशानियां ने। 350 साल तों उस दियां पटने शहर विच पईयां निशानियां ने। पटने शहर विच पईयां निशानियां ने ते संगतां जा जा के उन्हां निशानियां दे दर्शन करदियां ने। मेरा गुरु बड़ा बख्शेंदिया गलतियां नहीं चतारदा अपने सेवक दी आपे पैज रखदा। असीं बेदावा दे जांदे आ पर गुरु जिहड़ा आ साड़ी मुक्ति वास्ते साड़ा उधार करने वास्ते हमेशा तत्पर रहिंदा। गुरु की बख्शिश का वर्णन किया एक बंद दे विच कि जेड़ा एक बारी उदा हो गया सी ओ सदा लई उसे दे हो गए सी। जेड़ा एक बारी उदा हो गया सी ओ सदा लई उसे दे हो गए सी। अपने जोगे नूं आप बचाउण खातर बूहे बेसबा के खलो गए से। भाई जोगा सिंह बड़ा श्रद्धालु गुरु साहिबां दी गल ना टालन वाला पक्का सेवादार। जिस वेले लामा हो रही सन दो लामा होईयां ते गुरु जी का परचा पै गया कि देखिए सेवक कित्थों तक है। हुक्म कीता सेवक ने कि गुरु साहब ने हमने याद किया चलो आनंदपुर साहब पहुँच के उन्होंने दर्शन दीदार करो। भाई जोगा सिंह जी चल पाए रास्ते दे विच बेसवा के बूहे अगे रुक गए ते किस तरह लिखिया कि जेड़ा एक बारी उदा हो गया सी ओ सदा लई उसे दे हो गए सी। अपने जोगे नूं आप बचाउण खातर बूहे बेसवा अगे खलो गए सी। जद बेदावीए जूझ के जागे अंदर दूजी मिसाल जद बेदावीए जूझ के जागे अंदर सारे सदा की नींद लई सौ गए सी। उदों पाशाह मोह विच नैण भर के वह बेदावियां दे धुने धो गए सी। उदों पाशाह मोह विच नैण भर के वह बेदावियां दे धुने धो गए सी। महासिंह का पट ते सिर रख के महासिंह का पट ते सिर रख के ओदे तपदे सीने नूं ठा रिहा सी। मुखों मुक्तियां दी झड़ी लाउण वाले पटने विच अवतार अज धार रिहा। मुखों मुक्तियां दी झड़ी लाउण वाले मेरा 5000 मेरा 10000 इस तरह बख्शिशां कर रहे आ कि मुखों मुक्तियां दी झड़ी लाउण वाले पटने विच अवतार अज धार रिहा सी। पटने विच अवतार अज धार रिहा सी। साध संगत जी एक अवतार आप नाल होर साझी करा। पीर बुद्धू शाह जी की गल जे ना करिए ते दसम पिता का प्रसंग मैनू लगता है अधूरा रहिंदा क्योंकि
पीर बुद्धू शाह जी ने जड़ी सिखी कमाई आ शायद उत्थे तक हाले कोई नहीं पहुंचा। भंगाणी का पहला युद्ध पौंटा साहब की धरती से होया। उस वेले गुरु साहबां दे कोल केवल 5000 के करीब फौज सी, बहुत थोड़ी फौज। बाईधार के राजे लखां की फौज लैके गुरु साहब ते चढ़ाई कर दिती। ते पीर बुद्धू शाह जी जिहड़े रूहानियत फकीर सन, उन्होंने अपने पोत भतीजे भाई ते पूरे 700 मरीद गुरु साहब दे अर्पण कर दिते। कविता विच किस तरह वर्णन हो रहा, किस तरह बख्शिशां हो रही, किस तरह पीर बुद्धू शाह जी गुरु साहब नूं भंगाणी दे जदों तों बाद मिलदे आ, वो सारा हालात आपदे सामने। पीर बुद्धू शाह गुरां दे वल ताए पुत भाई भतीजे कुरबान करके, पीर बुद्धू शाह गुरां दे वल ताए पुत भाई भतीजे कुरबान करके, गैगज होए भंगाणी दे जोधे अंदर पूरे 700 मरीद आदान करके, रब्बी नूर दी चेहरे ते जड़ी रंग, रब्बी नूर दी चेहरे ते जड़ी रंग, पीर गिरी का पूरा सम्मान करके, कोई शिकर नहीं गया दा, दुख भी नहीं कलगी धरदा यात्रा ध्यान कर। वाह, जदों पीर जी गुरां दे कोल पहुंचे, जदों पीर जी गुरां दे कोल पहुंचे, केस कंगे नाल सतगुर वार सन, किवें जुद भंगाणी दा फतेह होया, मर जीवड़िया ताई सला रहे सन। निर्मल जी के जदों पीर जी गुरां दे कोल पहुंचे, केस कंगे नाल सतगुर वार रहे सन, किवें जुद भंगाणी दा फतेह होया, मर जीवड़िया ताई सला रहे सन। बुद्धू शाह दे पुत भरा चेले किवें दुश्मणां दे आहू ला रहे सन, कले कले दा करके जिक्र सतगुर सूर वीरां दी कर वाह वाह रहे सन। के बुद्धू शाह दी आमद ते कहा सतगुर, बुद्धू शाह दी आमद ते कहा सतगुर जी आया नो पीर जी आओ बैठो, बुद्धू शाह दी आमद ते कहा सतगुर जी आया नो पीर जी आओ बैठो, गोविंद तुसा ते बड़ा प्रसन्न होया, आओ सामने मेरे सुहाओ बैठो, तुसा युद्ध विच बड़ा सहयोग दिता, तुसा युद्ध विच बड़ा सहयोग दिता, गुरु नानक दी बख्शिश पाओ बैठो, गोविंद तुसा दा भी कर्जदार होया, मादी भावना जो फरमाओगे। वाहिगुरु बुद्धू शाह जी की कह रहे हैं, देखो इन्नियां कुरबानियां देण तों बाद भी सेवक मंगदा की अपने गुरु तों, कि सच्चे पातशाह बख्शिशां तेरियां ने, सच्चे पातशाह बख्शिशां तेरियां ने, लोक कमले कहते फकीर में, सच्चे पातशाह बख्शिशां तेरियां ने, लोग कमले कहते पीर मैनू, पीरां वाली नहीं कोई भी गल साहबा, कूकर दरदा समझी फकीर मैनू, तेरे आसरे कट दी ये जिंदगी, तेरे आसरे कट दी ये जिंदगी, कच्ची कंध ते समझ लकीर मैनू, लेखे तेरे जे लग जाए उमर साहबा, मिल जाए आबे हयात दा नीर मैनू। गुरु साहब फिर कहते हैं कि पीर जी मंग लो कुछ, अज गुरु नानक के दर तो बख्शिशां हो रही हैं, की मंगते हैं? जेकर टुटे हो आख्या पीर जी ने, जेकर टुटे हो आख्या पीर जी ने, तो फिर बख्श दो यही हजूर कंगा जिहड़ा केसा च वारे, जेकर टुटे हो आख्या पीर जी ने, तो फिर बख्श दो यही हजूर कंगा, सने केसा दे करो उपकारे मिन्ना, सने केसा दे करो उपकारे मिन्ना, करूं कदी ना अखां तों दूर कंगा, कोई सेवा करवाई ते आप सतगुर, ये नहीं कह रहे मैं कीती, कोई सेवा करवाई ते आप सतगुर, मैनू बख्श दिओ इही जरूर कंगा, और देखण वालिआं नूं दिसदा सिर्फ कंगा मेरे वास्ते कोई होर कंगा। करवाई ते आप सतगुर, मैनू
पुछ दियो यही जरूर कंगा और देखन वाले नू दिसदा सिर्फ कंगा मेरे वास्ते नूर कंगा तन दौलत जकीरां दी लोड़ ना तन दौलत जकीरां दी लोड़ नाही दिसे तेरा नाही ये नूर कंगा मेरे घर सर दर दा ताज बन जाऊ रहू सोंबे रहू सांभिया पूर दर पूर कंगा के तन दौलत जगीरां दी लोड़ नाही किसे तेरा लाही ए नूर कंगा मेरे घर सर दर दा ताज बन जाऊ रहू सांभिया पूर दर पूर कंगा करो कृपा इस नचीज उत्ते बख्शो केसा दे नाल भरपूर कंगा ओ पातर बनिया रहा मैं बख्शिशां दा गुद्दू शाह दा होवे मशहूर कंगा पातर बनिया रहा मैं बख्शिशां दा बुद्धू शाह दा होवे मशहूर कंगा अज भी साध संगत जी जिस वेले पीर पौंटा साहब जाने तो पीर बुद्धू शाह दी जिथे समाध आ उच्चे टिले पे नमस्कार होंदिया संगत नमस्कार कर दी सिखी वो कमा गए असी उन्होंने नमस्कार कर रहे हैं सानू विरसे च सिखी मिली पर असी सिखी नू सांभ नहीं रहे कह रहे हैं गुरु शाह जी के जेड़े जंग विच मेरे परिवार विचों जेड़े जंग विच मेरे परिवार विचों लेखे तुसां दे लंघे प्रवान करने जेड़े जंग विच मेरे परिवार विचों लेखे तुसां दे लंघे प्रवान करने सच्चे पातशाह गुरु दशमेश जी के वास्ते ऐसे एहसान करने कुकर जान के गुरु दरबार दा जी कुकर जान के गुरु दरबार दा जी बुद्धू शाह वल सदा ध्यान करने हाजर जिंद जान ते शरीर मेरा हक समझ के दाता फरमान करने हाजर जिंद जान शरीर मेरा हक समझ के दाता फरमान करने अंत मलीना कविता दियाँ के मुस्करा के सतगुरा पीर जी नू मुस्करा के सतगुरा पीर जी नू केसा साहित वो कंगा फड़ा दिता शरदा आते सत्कार बिच लाडो की पीर नेत्रा नाल सुहाग मुस्करा के सतगुरा पीर जी नू केसा साहित वो कंगा फड़ा दिता शरदा आते सत्कार बिच लाडो की पीर नेत्रा नाल सुहाग दिता रूहां दोई पासी बागो बाग होइया गुरु साहब भी खुश हो गए पीर जी भी खुश हो गए करूआ दोई पासी बागो बाग होइया चारे पास्यो नूर छिड़का दिता ऐसी रहमत दी होई बरसा दिया सी अल्लाह वाहिगुरु इको दिखा दिता ऐसी रहमत दी होई बरसा दिया सी अल्लाह वाहिगुरु इको दिखा दिता अल्लाह वाहिगुरु इको दिखा दिता अल्लाह वाहिगुरु इको दिखा दिता सत्संग।